नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रकी में। बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD के आज का जो थेरेपी का पेपर आया था उसकी। जैसा कि दोस्तों सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका एग्ज़ाम और थेरेपी का एग्ज़ाम पेपर आज हमारे हिसाब से बहुत सरल आया था, हमारे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से कैसा आया था पेपर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से अपना वीडियो देख रहे हैं आप भैया, उसके बारे में भी बताइए। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट सीखने की अक्षमता का उदाहरण। तो हमने जब बात करते थे SLD की तो कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, और यहाँ पर आपका जो गा है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। इसके बाद में सामाजिक संपर्क और संचार में गंभीर क्षति, जैसे कि प्रारंभिक अभिव्यक्ति का निदान किसके रूप में किया जाता है। जहाँ पर बच्चे में सामाजिक संपर्क की कमी होती है, बच्चे में संचार की कमी होती है, तो भैया क्या होता है कि इसका निदान जो है वो किसके रूप में किया जाता है, इसको हम किसके रूप में जो है डायग्नोस करते हैं। तो कहते हैं ऐसे बच्चे में हम स्वलीनता देखने को मिलती है, सामाजिक संपर्क कमी और भैया संचार में भी कमी, तो स्वलीनता के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं ऑटिज्म के। नेक्स्ट भैया, किसी शब्द या ध्वनि को तुरंत सुनने के बाद में उसकी नकल करना। बच्चा तुरंत सुन रहा है और उसकी नकल कर रहा है, यानी कि अनुकरण कर रहा है, तो भैया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, यानी कि AAC। कहता है किसी को बात करने से रोका या रोक देना या भाषा के विकास में को धीमा कर देगा, ऐसा नहीं है भैया। AAC क्या करता है, भाषा के विकास को धीमा थोड़ी ना करता है। हम लोग अगर किसी बच्चे का आर्गुमेंटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी हम भाषा को बढ़ाने के लिए करते हैं, ना कि धीमा करने के लिए, तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। भौतिक चिकित्सा स्कूली व्यवस्था में भौतिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए एक सेवा है, संबंधित सेवा है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, यहाँ पर तो बहुत सरल ही था। अगर हम लोग बात करते थे मनोरंजन चिकित्सा की तो कहते थे हेप्पोथेरेपी। अगर हम लोग सेंसरी सीकिंग की बात करते थे तो कहते थे भैया संवेदी एकीकरण। अगर हम लोग AAC की बात करते थे, देखिए यहाँ पर आ गया आपका AAC और यहाँ पर आपका आ गया डिसलेक्सिया। तो जब डिसलेक्सिया कहते थे तो कहते थे भाई ये है अपनी अधिगम क्षमता, और AAC क्या बचा आपका, प्रतीक बोर्ड यानी कि सिंबल्स बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो था इस प्रकार से आपका सही हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपको SLD की परिभाषा देनी थी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की परिभाषा, जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर देखिए ऑटिज्म की भी परिभाषा, ASD की भी परिभाषा आपसे पूछ ली। इसके बाद में दो छात्रों के लिए योग के कोई लाभ बताइए, खेल चिकित्सा के दो उद्देश्य बताइए, भौतिक चिकित्सा के बारे में पूछ लिया, योग चिकित्सा के बारे में पूछ लिया। जो भी आपको कल जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, मुझे लग रहा है कि भाई आपको उस टाइप से ही क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। ठीक है, और अगर मिल गए हैं, पेपर अच्छा हुआ है, तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए भैया, कि बिल्कुल और अच्छे से आप पेपर करके आइए। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं तो उसको छोड़िए और दूसरे पेपर की तैयारी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भैया किस राज्य से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपने इस एग्जाम ट्रकी परिवार को देश का नंबर 1 चैनल बनाया स्पेशल एजुकेशन में। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जो अपलोड होगी उसको अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।